हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी यूट्यूब चैनल का वीडियो है। और वीडियो का नाम है इंडिया वॉन्स कैनेडा ओवर खालिस्तान, द चाणक्य डायलॉग विद मेजर गौरव आर्या। तो जनाब, मेजर गौरव आर्या का ये वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया ने कैनेडा को भी वॉन कर दिया है खालिस्तान का जो इशू है उसको लेकर। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जब ये खालिस्तान वाला ये शुरू हुआ था सीन, तो विदेश में प्रोटेस्ट हुए थे, यूके में प्रोटेस्ट हुए थे। वो जो खालिस्तानी वहाँ पे जो खालिस्तान को प्रमोट करते हैं वो इंडियन एम्बेसी के पास पहुँच गए थे, वहाँ तोड़फोड़ की थी, इंडियन फ्लैग को हटा दिया था। तो उसको लेकर फिर जो इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने यूके के साथ सख्त रवैया अपनाया और यहाँ पर इंडिया में यूके की एम्बेसी से सिक्योरिटी कम कर दी गई थी, बैरिकेड्स वगैरह हटा दिए गए थे। तो वैसे ही अब इंडिया ने कनाडा को भी वॉर्न किया है कि कनाडा में जो खालिस्तान मूवमेंट को जोर दे रहे हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कनाडा में, वरना फिर इंडिया में भी शायद कैनेडियन एम्बेसी के साथ ऐसा ही कुछ करेंगे कि उसकी सिक्योरिटी कम कर देंगे। क्योंकि यूके में तो यूके में जो प्रोटेस्टर थे उनके जो वीज़ा थे, इंडियंस थे वहाँ पर, उनके वीज़ा गवर्नमेंट ने रद्द कर दिए हैं जो खालिस्तान मूवमेंट में शामिल थे यूके में। शायद हो सकता है कि कनाडा के साथ भी ऐसा कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं मेजर गौरव आर्या क्या बता रहे हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और जो ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी को चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओरिजिनल वीडियो वहां देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और फिर वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। स्टार्ट। झंडा हिला के स्वागत करना मेजर का। तुम्हारे दादाए कौम आ रहे हैं, उनका बाबाए कौम और तुम्हारा दादाए कौम, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि खालिस्तानियों के घरों पे बुलडोजर फिराए जाएं जो भारत में घर हैं खालिस्तानियों के, एंड दे शुड बी थ्रोन इनटू प्रिजन लाइफ लॉन्ग फॉर दैट क्राइम अलोन। ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जो इतना आप समझ लीजिए कितना दिमाग से पैदल होगा आदमी जिसने गुरुद्वारा साहब जैसी एक पाक और अच्छी जगह के अंदर इसने गोली चलाई। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि मैंने जब से खालिस्तानियों पे वीडियो बनाना शुरू करे हैं, और रोज मैं खालिस्तान के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, अमृतपाल सिंह के ऊपर, और जो खालिस्तानियों ने काम कैनेडा में करा है, यूके में करा है, यूएस में करा है, ऑस्ट्रेलिया में करा है, उसको जब से मैं एक्सपोज कर रहा हूं, ये बिलबिला गए, बिल्कुल इनको परेशानी हो गई, जैसे कि स्किन के ऊपर ना चमड़ी के ऊपर चींटियां चलती हैं, ये परेशान हो गए खालिस्तानी और ये मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था ना इंस्टाग्राम का सो कॉल्ड सिख कैलेंडर, जिसमें कह रहा था कि ये घर तोड़ दो, मेजर कह रहा है सिखों के घर, तो ये सब बकवास। अब ये है जस ओबरॉय नाम का नॉन खालिस्तानी नॉन इस देश का गद्दार, नॉन गद्दार, ये क्या कहता है ये देखिए मैं पढ़ता हूं और स्क्रीन पे एडिटर साहब जरा इनका लगाइए ट्विटर हैंडल। ये कहते हैं इन वन वीडियो ही बोथ प्रेजेस द गवर्नमेंट्स एक्शन ऑन मुस्लिम्स, ही यानी कि मेरे लिए कह रहे हैं ही प्रेजेस द गवर्नमेंट एक्शन ऑन मुस्लिम्स एंड प्रिस्क्राइब्स द सेम टू बी डन अगेंस्ट सिख्स। इमेजिन द हेट विथ विच ही ऑपरेटेड व्हेन ही वॉज सर्विंग इन द आर्मी एज अ मेजर। तो जस ओबरॉय एक बात सुन लो, और सारे के सारे खालिस्तानी तुम एक बात सुन लो। पहली बात, सिखों के लिए मेरे दिल में जितना प्यार, जितनी इज्जत है, उतनी शायद तुम, जो कि तुम झूठे सिख हो खालिस्तानी, तुम सच्चे सिख नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम फ्रॉड हो, 420 मक्कार हो, तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम खालिस्तानी तो वो हो जो गुरुद्वारा साहब के ऊपर अटैक करते हैं, तुम खालिस्तानी तो वो हो जो अमरीका में गुरुद्वारा साहब के अंदर गोलियां चलाते हैं, यह तुम्हारी औकात। और तुम मुझे कह रहे हो, मेरे वीडियो के टुकड़े निकाल निकाल के एडिट करके पेश कर रहे हो कि देखो ये देखो क्या है, इसने मुसलमानों के भी जब घर टूटे थे बुलडोजर से तो ये इसने सपोर्ट करा था, अब ये कह रहा है वही चीज सिखों के ऊपर। अरे बेवकूफों,
शेख रशीद की औलादों, शेख रशीद वो पाकिस्तान वाला पाओ पाओ किलो का न्यूक्लियर बम वो वाला, उसकी खालिस्तानी आर डायरेक्टली डिसेंडेड फ्रॉम शेख रशीद, उनका दिमाग उतना ही है शेख रशीद जितना। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं भाई, एक बात बताओ, कब मैंने बोला कि जो मुसलमानों के घर टूटे हैं या हिंदुओं के घर टूटे हैं या सिखों के घर टूटे हैं वो ठीक टूटे हैं? मैं आज खालिस्तानियों को चैलेंज दे रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं, अगर तुम्हें प्रूव करना चाहते हो कि तुम शेख रशीद की औलाद नहीं हो तो तुम मेरा वीडियो डालो, पूरा का पूरा वीडियो डालना, डॉक्टर्ड नहीं, जो तुम्हारी घटिया सी कैटेगरी का बी ग्रेड जो तुम्हारी एडिटिंग स्किल्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल मेरा वीडियो डालो जहां पे मैंने मुसलमानों के लिए ऐसा बोला हो या सिखों के लिए ऐसा बोला हो, और अगर नहीं डाल पाए तो फिर से वीडियो डालो कबूल करते कि हां जी हम सब जितने भी खालिस्तानी हैं शेख रशीद की औलादे हैं, राइट? बेवकूफ किसी और को बनाना, दूसरे खालिस्तानियों को बनाना, ठीक है? और ये हिंदू और सिख के बीच में फर्क डालने की कोशिश मत करो, हम लोग आज से नहीं, हम लोग कई सौ साल से भाई हैं, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हराम के पैसे हैं वो खा खा के तुम लोग ऐसे हो गए हो कि तुम्हारा दिमाग ही आजकल काम नहीं करता। मैं तुम्हें एक्सपोज करता रहूंगा, तुम्हें जलील करता रहूंगा, और जब मैं लंदन आऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कहां पर रह रहा हूं, और जिस होटल में मैं रहूंगा मैं चाहता हूं सारे खालिस्तानी उसके सामने आए 4-5 हजार खालिस्तान का झंडा लेके, ठीक है? तुम्हारे अब्बू का अब्बू हूं मैं, यानी कि तुम्हारा बाप पाकिस्तान है, पाकिस्तान का फादर ऑफ द नेशन मेजर गौरव आर्या, मेरे स्वागत के लिए सारे वहां पर खड़े हो जाना, ठीक है? और झंडा हिला के स्वागत करना मेजर का, तुम्हारे दादा ए कौम आ रहे हैं, उनका बाबा ए कौम और तुम्हारा दादा ए कौम, ठीक है? व्हेन आई कम टू लंदन वेट फॉर मी एंड वेलकम मी। अच्छा दोस्तों, ये खालिस्तानियों ने सीखा कहां से? आप भी मेरे रोज वीडियो देखते हैं और लाखों की तादाद में कुछ वीडियोस तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव सीन। वेयर डू दीज खालिस्तानीज गेट दिस पॉइजन फ्रॉम? ये शेख रशीद वाला डीएनए कैसे आया इन खालिस्तानियों में, मैं बताता हूं आपको, ठीक है? मैं स्कूल में सिखों के साथ पढ़ा, ठीक है? मैंने फौज में नौकरी सिखों के साथ करी, जिसमें मेरे जूनियर, मेरे कोर्समेट्स यानी कि मेरे साथ वाले, मेरे सीनियर सारे सिख थे। मैंने दुनिया भर में जब मैं कॉरपोरेट में था मैंने सिखों के साथ काम करा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये खालिस्तानी सिख है ही नहीं, खालिस्तानी एक गाली है। खालिस्तानीज यू आर जस्ट एन अब्यूज, जैसे लोग गंदी गंदी गालियां देते तुम भी एक गंदी गाली हो, और तुम्हारा सिखों से और सिख धर्म से एक रुपए का भी कुछ लेना देना नहीं है, तो भगवान के लिए, वैसे तुम किसी भगवान भगवान को मानते नहीं हो, यू आर गॉडलेस एथिस्ट्स, बट ठीक है कोई बात नहीं, इट्स नॉट बैड टू बी एन एथिस्ट बट इट्स बैड टू बी अ खालिस्तानी, और तुम लोग सिख धर्म को प्लीज उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लांछन मत लगाओ, ठीक है? और अपने बाप पाकिस्तान और तुम्हारा असली अब्बू शेख रशीद उससे जाके बोलना कि मेजर ने ऐसा बोला, ठीक है? खालिस्तानी अमृतपाल सिंह को लेकर कनाडा में प्रोटेस्ट हो गई, तो क्या हुआ? ये तो काम वाम तो करते नहीं खालिस्तानी, ड्रग्स का पैसा इनके पास आता है, ड्रग्स का पैसा आता है उनसे इनके घर चलते हैं, कोई ईमानदारी का काम को खालिस्तानी कर रहा हो तो बताइए, कोई ईमानदारी का काम? दिन भर झंडे लेके, अरे भाई जो आदमी ईमानदारी की रोजगारी करता है, ईमानदारी का जिसके पास रोजगार हो, ईमानदारी का जॉब हो, उसके पास कहां टाइम है कि दिन भर झंडा लेके खड़ा रहे? ये झंडा लेके खड़े रहते हैं, ये पाकिस्तानी ड्रग मनी पे पलने वाले खालिस्तानी। अब ये कह रहे हैं साहब आपके एम्बेसी पे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, कनाडा को ऑलरेडी इंडिया वार्न कर चुका है कि बहुत सारा इनको देखना, और तुम खालिस्तानियों की चूड़ियां कसना हमें आता है बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना हमें आता है, और तुम्हारी ऐसी चूड़ियां कसेंगे ना, मैंने कल हिंट भी दिया था, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता क्योंकि जिसके पास ये पहुंचना था उसके पास पहुंच गया है, राइट? एक बात ध्यान रखना, यू हैव प्रॉपर्टीज इन इंडिया एंड दैट प्रॉपर्टी हैज बीन बॉट विथ टेरर मनी। मैं आज तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं खालिस्तानियों, जो खालिस्तानियों ने इंडिया में प्रॉपर्टी ले रखी हैं, दैट इज टेरर मनी एंड इट विल बी मार्क्ड एज सच। मैं ये चाहता हूं कि खालिस्तानियों के घरों पे बुलडोजर फिराए जाएं जो भारत में घर हैं खालिस्तानियों के। अब करो इस क्लिप को वायरल, करो, अगर शेख रशीद की औलाद हो तो करो इस क्लिप को वायरल, बोलो कि मेजर ने यह बोला है। ये सीखा किससे यार तुमने? मैं बताता हूं किससे। अब जब पाकिस्तानी किसी पाकिस्तानी को बोलो
कि यार तुमने ये काम गलत करा, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, राइट? यही कीड़ा तुमने उनसे पाल लिया, यही कीड़ा पाल लिया। अरे भिखारियों से क्यों सीखते हो यार? हमसे सीखो, मेजर सिखाएगा। दादाजी की गोदी में बैठो, यहां पे आओ खालिस्तानी, मेजर की गोदी में बैठो, दादा है तुम्हारा मेजर, दद्दू सिखाएंगे तुम्हें है? कि क्या करना है। बस तुमने पाकिस्तानियों से यही सीखा, दो रुपए लेके, यही तुम्हारी औकात है। याद रखना, मैं यूएस जाऊंगा, यूके जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, मुझे मेरे होटल के सामने 10,000-5,000 खालिस्तानी चाहिए झंडा लहराते हुए, दादा जान की जय, दादा जान की जय, दादा जान जिंदाबाद, सबके सब चाहिए मुझे लाइन में। खैर, भारत ने टाइट कर दिया कनाडा को और बोल दिया कि भाई हमारे मिशन को तुम प्रोटेक्ट करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो वहां पर हाई कमीशन है तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे, वरना फिर देखना। ये बोला नहीं है, लेकिन इट इज अंडरस्टूड, कनाडा को मैसेज पहुंच गया है कि ये जितनी भी सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, ये हट जाएगी कैनेडियन हाई कमीशन के सामने दिल्ली में। तो दोस्तों, भारत सरकार का कनाडा की सरकार को डायरेक्ट ये मैसेज पहुंच चुका है कि अगर तुम कनाडा में जो भारत का दूतावास है उसको सेफ और सिक्योर नहीं रख सकते, तो दिल्ली वाले मामले भूल जाना, तुम दिल्ली वाले मामले में तुम भूल जाना कि कुछ हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहां से अब हटेगी सीआरपीएफ की सिक्योरिटी, यहां से हटेगी दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी। फिर जो हजूम आएगा ना वीजा लेने के लिए, इट डज नॉट मैटर कि तुमने अपना वीजा आउटसोर्स करा है, जब लोग घुसेंगे एम्बेसी के अंदर, देन डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स, बिकॉज यू आर टू ब्लेम। जो तुम्हारी डेमोक्रेसी है, तुम्हें अपने देश में तो पूरी डेमोक्रेसी चाहिए और दूसरे के देश में तुम्हें अराजकता चाहिए है? जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा चोर आदमी है, और मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि जब ट्रकर्स ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब ट्रकर्स ने स्ट्राइक करी, व्हेन द ट्रकर्स स्टार्टेड स्ट्राइकिंग इन कनाडा, दिस पर्सन सेड देयर शुड बी अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ही हैड ट्रकर्स अरेस्टेड, ही हैड पुलिस टेक एक्शन अगेंस्ट दोस ट्रकर्स, एंड दोस ट्रकर्स वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली इन कनाडा, दिस जस्टिन ट्रूडो। आज की तारीख में हमें ज्ञान देगा ये जस्टिन ट्रूडो इंडिया को सिखाएगा कि नहीं, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन वेरी केयरफुली। अरे तू क्या वॉच करेगा, हम वॉच कर रहे हैं केयरफुली, ठीक है? अब तुम देखना, तुम देखना। और भारत सरकार को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जितने भी खालिस्तानी हैं, ठीक है, आप वही काम करिए जो मैंने आपको उस दिन, मेरी रिक्वेस्ट थी लंदन के लिए, जो मैंने बोला था कि यूके में करिए, वही काम कनाडा में करिए। कनाडा की टॉप सिटीज के लॉयर्स हायर करिए, टॉप लॉयर्स आप हायर करिए, और जो भी लोग करते हैं हमारे हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट या कोई भी एग्रेसिव एक्शन लेते हैं, प्रोटेस्ट तक बात ठीक है, प्रोटेस्ट तक देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रोटेस्ट के बाद जो एग्रेसिव एक्शन लेते हैं, इन सब के ऊपर कैनेडियन कोर्ट्स में केसेस लड़िए और इनको फंसाइए केसेस में, इनको फंसाते रहिए केसेस में, ठीक है? इनकी एड़ियां घिस घिस के इनकी जिंदगियां बीत जाएं। ये टेररिस्ट हैं खालिस्तानी, दे आर ब्लडी टेररिस्ट ऑल ऑफ देम। यही लोग थे कनाडा के खालिस्तानी जिन्होंने कनिष्का वो जो एयरक्राफ्ट था एयर इंडिया का, उसको उड़ा दिया था बम से और इतने लोग मार दिए, जिसमें से मैक्सिमम कैनेडियन सिटीजन थे। तो कनाडा की सरकार को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। हमारे यहां होता ना तो निपटा चुके होते, कब तक जेल के अंदर होते ये, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे ठीक है, आओ मारो, डेमोक्रेसी है, सबको मारो। हाँ, जब तक काले और भूरे का खून बहे तब तक ठीक है, जिस दिन गोरे को खरोच आ गई उस दिन, ओ माय गॉड, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। पूरा इराक साफ कर दिया, माथे पे शिकन नहीं आई, पूरा अफगानिस्तान साफ कर दिया, माथे पे शिकन नहीं आई, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारे असली दोस्त थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, 9/11 जो तुम लोगों ने, जब हुआ था 9/11, बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट टेरर अटैक विच हैपेंड, 3000 पीपल वर किल्ड, व्हाट वाज इराक्स फॉल्ट, व्हाट वाज इराक्स फॉल्ट, व्हाट वाज अफगानिस्तान्स फॉल्ट, यू इन्वेडेड टू कंट्रीज एंड यू वाइप्ड आउट एंटायर पॉपुलेशंस। और आप लोग सिखाते हैं, कहते वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन इंडिया, यू आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन इंडिया, यू आर वॉर क्रिमिनल्स, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमारे ऊपर क्लोज आई रखो, क्लोज आई तो हम रखेंगे तुम्हारे ऊपर। अब देखिए, इंडिया ने कनाडा को बोल दिया है कि अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट दोस थ्रेटनिंग डिप्लोमेटिक मिशंस। मैं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूं, कैनेडियन सरकार जो करेगी करेगी, आप अपना एक इकोसिस्टम तैयार करिए कनाडा में। इंडिया के पास दो चीजें हैं, नंबर वन डिप्लोमेटिक हेफ्ट, ठीक है, जबरदस्त डिप्लोमेटिक हेफ्ट, और नंबर टू व्हाट इंडिया हैज इज लॉट्स ऑफ मनी। You should use both diplomacy and money to corner these Khalistani rats and make sure ये खालिस्तानियों का सबसे बड़ा जुर्म क्या है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा जुर्म यह है कि सिख धर्म को ये लोग बदनाम कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा जुर्म है, एंड दे शुड बी थ्रोन इन टू प्रिजन लाइफ लॉन्ग फॉर दैट क्राइम अलोन।
ये भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जुर्म नंबर टू. नंबर थ्री, दे आर क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट्स हु आर रोमिंग अराउंड फ्रीली. इनके गले से पता नहीं किस बेवकूफ ने पट्टा खोल दिया है कि भौंकते रहते हैं और काटते रहते हैं सबको. ये इनका तीसरा सबसे बड़ा जुर्म है. एंड दे शुड बी हेल्ड टू अकाउंट. एंड डोंट जस्ट रिक्वेस्ट द कैनेडियन अथॉरिटीज, एज आई सेड, बिल्ड अप योर ओन इकोसिस्टम, बिल्ड अप योर ओन इकोसिस्टम इन कैनेडा. ठीक है, आपके हाई कमीशन, आपके कॉन्सुलेट्स के सामने आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी गवर्नमेंट की. There should be Indian soldiers with weapons there, standing. जो आता है, if he tries to forcefully enter, वहां पे आप बड़े बड़े बोर्ड लिखिए, वहां पे लगवाइए और बोलिए, trespassers will be shot. सिंपल सी बात है, trespassers will be shot. This is Indian sovereign territory. अगर तुम घुसने की कोशिश करोगे तो ठोक दिए जाओगे वहीं पे. That's it. Americans do it all the time. Americans do. Why can't you do it? Who's what's stopping you? आप भी करो. ठीक है, lawyers लो बड़े से बड़े. And वो तीसरे जो elements थे जो कनाडा के अंडरग्राउंड के हैं, आप इनको हायर करिए. आपके पास तो करोड़ गुना पैसा है जो इन खालिस्तानियों के अबुओं ने नहीं देखा होगा, पाकिस्तानियों ने. दे वोंट हैव सीन दैट काइंड ऑफ मनी दैट द इंडियन. जस्ट थ्रो मनी एंड गेट ऑल दीज पीपल देयर, ऑल दीज एलिमेंट्स, माफिया एलिमेंट्स, इनको लेकर आओ वहां पर और उनको बोलो कि ये हमारा एम्बेसी है. जो भी खालिस्तानी आएगा कोने में ले जाके जरा इसको खर्चा पानी दो इनको, ये ठीक हो जाएंगे. मैं बता रहा हूं, जो शूटिंग हुई थी, मुझे एक और चीज पता लगी है, मैं तो कल आपको बताना ही भूल गया. जो शूटिंग हुई थी ना अमेरिका में, जिसमें मैंने बोला था फौजी नाम का जो खालिस्तानी था जिसने गोली चलाई थी, एक तो कितना आप समझ लीजिए कितना दिमाग से पैदल होगा आदमी जिसने गुरुद्वारा साहब जैसी एक पाक और अच्छी जगह के अंदर इसने गोली चलाई, तो दिमाग ही नहीं है खालिस्तानियों का, ब्रेनलेस इडियट्स. एनीवे, ये जब गोली चली तो जितने भी खालिस्तानी चौधरी बनते ना बड़े बड़े, ओ साहब हम खालिस्तान इंडिया को, ये सब भाग गए वहां से. ऑल ऑफ देम ये खालिस्तान का झंडा फेंक के भागे हैं वहां से. फिर जब पुलिस आ गई तो फिर उन्होंने झंडा उठा लिया. हाँ, यस, जब गोलियां चली तो ये खालिस्तान वालिस्तान का झंडा फेंक के सब भागे. ये लाइन पोजीशन ले ली इन्होंने जमीन पे, ये सारे खालिस्तानी भाग गए डर के मारे जमीन पे लेटे. कोई उधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई बिल्डिंग ब्लॉक के पीछे, गोली चल गई, गोली चल गई, वो पुलिस आ गई, पुलिस आ गई. अब क्या हुआ, जब एक्चुअली पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गए, जिसको एक बंदे ने जिसने शूट करा था, दूसरा तो अस्पताल ही में था, आई थिंक टू पीपल वर इंजर्ड समथिंग लाइक दैट, तब जाके फिर इनकी मर्दानगी जागी खालिस्तानियों की कि अब तो पुलिस आ गई है. फिर उन्होंने खालिस्तान के झंडे, और खालिस्तान जिंदाबाद, ये है इनकी औकात खालिस्तानियों की. ठीक है, ये इनकी असली औकात है. सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है विनीत जिंदल. विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस के अंदर कंप्लेंट करी है कि जो प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन एम्बेसी इन वॉशिंगटन, उन्होंने जो मारपीट करी थी ललित झा के साथ और वहां पे जो तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये दायर कर दिया है कि इन लोगों ने थ्रेटन करा और अब्यूज करा जो इंडियन एम्बेसडर टू द यूएसए हैं तरनजीत सिंह संधू साहब और उनके स्टाफ को, इनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्शन ले सकती है? बोला है कि रिक्वेस्टेड पुलिस टू लॉज एन एफआईआर अगेंस्ट देम एंड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम बाय रिवोकिंग देयर पासपोर्ट एज पर लॉ. जिन लोगों के पास पासपोर्ट है उनका पासपोर्ट आप रिवोक कर दीजिए. और ये यू नो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और जैसा मैं बोलता चल पिछले एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एनआरआई, एनआरआई जो भी इनके कार्ड है, कट. इनको बोलना बेटा तू वहीं पे जी, वहीं पे मर, कनाडा में, तू कनाडा में ही रह, तो जी यहां पे ना इंडियन पंजाब में आने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट वेलकम हियर. एफआईआर लॉज हो चुका है, सारे के सारे इमिग्रेशन पे इनकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारी है ही बढ़िया, सबसे बढ़िया वर्ल्ड में. ये जैसे ही आते हैं पकड़ो, जेल के अंदर डालो इनको, जैसे ही आते हैं पकड़ो, जेल के अंदर डालो, इफ दे मैनेज टू लैंड इन इंडिया. ठीक है, और जेल के अंदर डालो, जेल की सजाएं काटे गई है पूरी यहां पर, 25 साल सड़ने दो इनको जेल में, और उसके बाद इनको डिपोर्ट करो वापस अमेरिका, कि बेटा अब जा वापस, कनाडा जा, अमरीका जा, ऑस्ट्रेलिया जा, कनाडा जा, जहां पे भी जाना है तेरे को जा, इंडिया में नहीं आएगा तू, यू हैव नथिंग टू डू. एंड अगर बहुत अपने वतन की याद आ रही है खालिस्तानियों, तो पाकिस्तान जाओ, तुम्हारा असली वतन वही है. ठीक है ना, यू गो टू पाकिस्तान, शेख रशीद तुम्हारा अब्बू है, लाल हवेली रावलपिंडी में वेट कर रहा है तुम्हारा, गो टू योर अब्बू शेख रशीद. टाइम स्क्वायर पे अमृतपाल सिंह के वो करा है, क्या नाम कहते हैं, कि अमृतपाल सिंह की सपोर्ट में इन लोगों ने they have protested and they can protest. ये सिर्फ protest कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते खालिस्तानी. They have not done anything useful.
इनसे एक गुरुद्वारा साहब नहीं संभाला जा रहा, वहां पे तो गोलियां चला देते हैं। ये कह रहे हैं हम देश बनाएंगे, देश चलाएंगे। अरे तुम गुरुद्वारा साहब संभाल नहीं सकते, तुम गुरुद्वारा साहब की इज्जत नहीं कर सकते। यू डोंट नो व्हाट अ सेक्रेट प्लेस अ गुरुद्वारा साहब इज, उसकी तुम इज्जत नहीं कर सकते, उसकी सैंक्टिटी का तुम्हारे अकल नहीं है, ठीक है। और इनका हीरो जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बंदा भाग गया उस दिन अमृतपाल। यार मैं तो खालिस्तानियों की बुद्धि पे, ऑन देयर ब्रेन, उनकी अकल पे मैं तजुब करता हूं यार, ये कैसे लोग हैं। एक भगोड़ा इनका हीरो है, वो भाग गया, पुल्स आ गई, पुल्स आई, गो, ही इज गॉन। और वो बिल ले रहा, लोग कह रहे को नेपाल चला गया, कहीं वो बियर या पता नहीं एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, सॉफ्ट ड्रिंक पता नहीं क्या ही पी रहा था वो अमृतपाल सिंह अपने दोस्त के साथ, और वहां पे रेबैन जेबैन लगा के मस्ती से बिल्कुल हीरो कट, अब वो गायब हो गया वहां से डरपोक। ये पता नहीं ये बियर वाली फोटो कब की है, व्हाट इज डेटेड, व्हाट आई डोंट नो, बट अब देखिए ही हैज डिसअपीयर्ड। अरे शेर का बच्चा होता तो लड़ता भाई, शेर होता तो लड़ता, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता, लड़ता तो भाग गया, दुम दबा के भाग गया। दोस्तों आपने कभी देखा ना कि कॉलोनी के बीच में से जब गाड़ी या बाइक लेकर जाओ तो कुत्ते हैं जो आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, वो बिल्कुल ऐसा दिखाएंगे कि तुम्हें काट ही लिया। कभी अपनी एक सेकंड के लिए बाइक रोकना जरा वहां पे, वो कूं कूं करके वापस चले जाएंगे, दे विल नॉट डेयर बार्क एट यू। अमृतपाल सिंह वैसे ही है, पहले अजनाला के पुलिस स्टेशन पे चढ़ गया तो पुलिस वालों ने, जाहिर सी बात है सामने गुरुग्रंथ साहिब थी, नोबडी डेड डू एनीथिंग, पुलिस वाले हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या करते पुलिस वाले, सही बात है, मैं होता मैं भी यही करता, नोबडी वुड हैव डन एनीथिंग। तो अमृतपाल सिंह को वहां पे तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। अब जब पुलिस उसको ढूंढने लग गई तो फिर उसने सबको बोला ओ पुलिस आ गई पुलिस, फिर ये भागा बंदा, अब कह रहा कहीं नेपाल कहीं कुछ। अच्छा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं सरकार को, आई जस्ट वॉन्ट टू से समथिंग बिफोर आई एंड द वीडियो, खबर तो मेरे पास बहुत है लेकिन बस मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहां पे, ठीक है, इन इंडियन पंजाब एंड आउटसाइड, इन यूके, इन कैनेडा, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूएस, देयर इज एन इकोसिस्टम ऑफ खालिस्तानीज, ठीक है। और इस इकोसिस्टम के कई ऐसे सिंगर्स हैं जो कि बाहर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, ठीक है, एक दो इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया वाले नहीं, जो पंजाबी या सिख सिंगर्स, इंडिया वाले नहीं, ज्यादातर यूके वाले, कनाडा वाले पंजाबी सिंगर्स हैं, वो हार्डकोर खालिस्तानीज, और हमारे बॉलीवुडियों ने उनको बुला के अपनी पिक्चरों में गाने गवा रखे हैं। ये तो दिमाग है बॉलीवुडियों का, दिस इज द, पता ही नहीं इनको ना किसने कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन सी ड्रेस में, इसके आगे तो इनका बुद्धि चलती नहीं इनकी। दे हैव इन्वाइटेड हार्डकोर खालिस्तानीज एंड खालिस्तानीज के साथ ये लोग बाहर जाके रिकॉर्ड करते हैं, दुबई में, ये लंदन में जाके रिकॉर्ड करते हैं, ये इन्वाइट करते हैं अपनी फिल्मों में इनको। व्हेन आई से इन्वाइट, आई डोंट मीन दे इन्वाइट देम टू इंडिया, आई मीन दे इन्वाइट फॉर द मूवीज एंड दे इन्वाइट फॉर द म्यूजिकल प्रोग्राम्स, एंड ये बैठते हैं वहां पे, और लंदन में जाके खालिस्तानी, राइट, और पाकिस्तान ISI के फंडेड जो कुछ कश्मीरी रेडिकल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, राइट, वन और टू ऑफ देम की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट वन और टू ऑफ देम, ये लोग जाके वहां पे इनके साथ बैठते हैं, और यहां पे इनका गुट बना हुआ है जो सारी ये प्लानिंग कर रहे हैं। सरकार को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को, यू फाइंड एनीबडी हु हैज एनी लिंकेज व्हाटसोएवर विथ एनी खालिस्तानी इंडिविजुअल और सपोर्टर, ठीक है, यू विल बी इन जेल एंड योर फिल्म विल बी ब्लैकलिस्टेड, और फिल्म को वापस कैंस में डालो और खत्म करो उस फिल्म को। इनको बहुत, मैं बता रहा हूं, बॉलीवुड में कुछ लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा बॉलीवुड में, लेकिन बॉलीवुड में कुछ लोग हैं जिनको बहुत चुल है, बहुत ज्यादा चुल है, लिबरल चुल, ये दूर करना पड़ेगा इनको, जो खुजली है ना इनके, ये खुजली हैज टू बी रिमूव्ड यार, इनको बहुत खाज है, राइट। ये सिंगर्स हैं वहां पे, खासतौर से यूके में, कैनेडा में, जो ओपनली, आप इनके ट्विटर हैंडल देखें, आप इनके इंस्टाग्राम पेजेस पे देखें, खुला खालिस्तान को सपोर्ट, तुम करो खालिस्तान को सपोर्ट यार, तुम्हारा हक है, हम कब कह रहे हैं तुम मत करो खालिस्तान को सपोर्ट, लेकिन भिखारियों की तरह इंडियन पैसा क्यों लेते हो फिर, भिखारियों क्यों लेते हो पता है, इंडियन पैसा भीख से, क्योंकि तुम्हारे बाप है पाकिस्तानी और वो भी वैसे ही है, और DNA बाप बेटे का एक होता है, दैट इज व्हाई यू हैव लर्न द वर्स्ट फ्रॉम देम, द वर्स्ट फ्रॉम देम, यू हैव लर्न द वर्स्ट फ्रॉम योर पाकिस्तानी मास्टर्स इन रावलपिंडी। एंड व्हेन आई से पाकिस्तानी, आई डोंट मीन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आई मीन देयर आर्मी, देयर एस्टैब्लिशमेंट, देयर ISI, देयर गवर्नमेंट एंड देयर डीप स्टेट, दे हैव लर्न द वर्स्ट फ्रॉम देम, दैट इज व्हाई खालिस्तानीज हैव लर्न बेगिंग। तुम भारत को गाली भी दो और तुम्हें भारत का पैसा भी चाहिए,
ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है, ऐसा किस तरीके से हो सकता है? चलिए दोस्तों, मैं किसी और दिन प्रोग्राम करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सिंगर्स हैं, पंजाबी सिंगर्स हैं जो विदेश में रहते हैं, ठीक है, जो लंदन में रहते हैं, जो कनाडा में रहते हैं, जिनका बॉलीवुड के साथ क्लोज लिंकेजेस हैं और वो हार्डकोर खालिस्तानी हैं, दे आर नॉट हाइडिंग इट, दे आर खालिस्तानीज ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा, बहुत जरूरी, बहुत हो गया इनका यार, हम इतने साल तक चुप थे, इन्होंने बोला कि तो सो ही जाएगा ना, मेजर सोया नहीं था, मेजर तुम्हारे बाप ना पाकिस्तान की पिटाई कर रहा था, अभी पाकिस्तानी मिस कर रहे होंगे मुझे कि मेजर साहब बड़े दिनों से यार हमें तो जलील ही नहीं करा, तुम रुक जाओ, सूद समेत तुम्हें जलील करूंगा, रुक जाओ, अभी जो तुम्हारा नाजायज औलाद है ना खालिस्तानी, मैं उनको जरा टाइट कर रहा हूं, तुम्हारा मौका आएगा, अभी रुक जाओ, पाकिस्तानी हो, वेट करो, ठीक है, बिल्कुल हाथ वाथ मल के मुंह में क्रीम लगा के तैयार रहना, मेजर आ रहा है, बस कुछ दिनों की बात है, जरा मैं खालिस्तानियों को निपटाऊं, फिर तुम्हें निपटाता हूं मैं, राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ हुआ ख़त्म। जैसा कि मेजर गोरवारे ने बताया कि अब जैसे हमने वीडियो की शुरू में बात की थी कि अगर जो प्रोटेस्टर्स हैं कनाडा में जाके इंडियन एम्बेसी के आगे तोड़फोड़ करते हैं, तो वैसा ही इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे कनाडियन एम्बेसी के साथ करना चाहिए। वही बात गोरवारे सर भी कह रहे थे, क्योंकि यही बात इन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो यूके में हुआ था प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी के सामने, वैसा ही इंडिया ने टिट फॉर टैट किया नई दिल्ली में, जो आगे से बैरिकेड्स वगैरह हटा लिए थे यूके एम्बेसी से, और वहाँ पे एक प्रपोजल आया था कि यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट बना दिया जाए। तो वैसा ही इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा को वॉर्न कर दिया है कि अगर कुछ भी वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के आगे होता है खालिस्तानी, मतलब अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करते हैं एम्बेसी में और तोड़फोड़ करने की कोशिश करते हैं, झंडे का अपमान करने की कोशिश करते हैं भारतीय झंडे का, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, उनके अगेंस्ट जो वहाँ की जो पुलिस है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एक्शन लिया जाए। और अगर नहीं लिया जाता और कनाडा की सरकार इस चीज़ पे ढील देती है, तो फिर वैसा ही सेम कैनेडियन एम्बेसी के साथ इंडिया में किया जाएगा। और यही बात मेजर गोरवारे भी बता रहे हैं कि कैसे जो खालिस्तानी था एक, उसने वहाँ पे गुरुद्वारे में जाके गुरुद्वारे में ही गोली चला दी, और जबकि गुरुद्वारा कितनी पवित्र जगह है, और वहाँ पे जाके उनका अपमान कर रहे हैं, और खुद को खालिस्तानी था, वो खुद को पक्का पंजाबी बता रहा था कि मैं प्योर पंजाबी हूँ, प्योर सिख हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो गुरुद्वारे जैसी पाक जगह पे, पवित्र जगह पे जाके ऐसा गलत काम ना करता। तो मेजर गोरवारिया ने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया कि हमें भी अगर कनाडा जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं होती इस चीज़ को लेकर, वहाँ की एम्बेसी की सुरक्षा नहीं करती, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी इंडिया में ऐसा ही करना चाहिए कैनेडियन एम्बेसी के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सनी ठाकुर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।